नमस्कार, शाम के 4 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो देश का संविधान है, इस देश के संविधान को भारत के आम लोगों ने बनाया और इसे नीति बनाने वालों को सौंपा है। हमारा देश इसी संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, इस संविधान की ही शपथ लेते हैं। और देश में जो कानून है, वो कानून मूल रूप से इसी संविधान की भावना के हिसाब से बने हुए कानून। इसीलिए हम दिन के हर बड़े मुद्दे को इस संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। और अब आपको अपने आज के मुद्दे के बारे में बता देते हैं। देखिए, करतारपुर कॉरिडोर का आज पाकिस्तान की तरफ भी शिलान्यास किया गया। करतारपुर कॉरिडोर बनाने के फैसले के बीच पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को सार्क सम्मेलन का न्योता दिया, लेकिन भारत की तरफ से ये कहकर ठुकरा दिया गया कि जब तक पाकिस्तान का हाथ आतंक के साथ है, तब तक पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। टेरर टॉक साथ साथ नहीं चलेगा। संविधान की शपथ में यही हमारा आज का सवाल। पाकिस्तान के मुंह में अमन, बगल में आतंक है। आज पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास। परसों भारत की ओर से रखी गई थी कॉरिडोर की नींव। सिद्धू ने जताई दोनों देशों में अमन की उम्मीद। ये ऐतिहासिक है और जोड़ने वाला कार्य है। ये सरकारों को गुडविल बनाने वाला कार्य है। मतलब करोड़ों लोग आज जय जयकार कर रहे हैं कि अगर अमन होगा और प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी, लोगों का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, टॉक्स होंगी, तो ये खून खराबा बंद हो सकता है। पाकिस्तान ने पीएम मोदी को सार्क सम्मेलन में बुलाने का माहौल बनाया। भारत का जवाब, जब तक पाकिस्तान आतंक के साथ, तब तक नहीं होगी बात। So that invitation has already been given, but we are not responding to it positively because, as I said, that unless and until Pakistan stops terrorist activities in India, there will be no dialogue and we will not participate in SAR. जम्मू कश्मीर में 6 दिन में 18 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के मुंह में अमन, बगल में आतंकी। देखिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ते की जब जब बात होती है तो इससे देश की रक्षा का सवाल जुड़ा होता है। आपको बता देते हैं कि इस मुद्दे पर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है, इसे आप जरा गौर से सुनिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 246 के मुताबिक देश की सुरक्षा और सैनिकों की तैनाती, ये काम सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना सरकार का काम है। पड़ोसी देशों के बीच सम्मानजनक रिश्ता बनाना, विवाद के मुद्दों को भी सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये संवैधानिक दायरा चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सीधे आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मैंने जो आज आप में खुशी देखी, मैं अब अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाऊं कि जो आपकी शक्लों पर मैंने खुशी देखी वो ऐसे है कि मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। इंशाल्लाह हम करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे, फैसिलिटीज आपको देंगे, और इंशाल्लाह जब बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे। जब आप अगले साल जब आप आएंगे तो आपको खुशी होगी देख के कि इंशाल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि मेरे दोस्त नवजोत सिद्धू ने जो आज बातें की,
मैं बड़ा मुतासर हुआ हूं। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट की कमेंट्री तो मुझे याद है इनकी, क्रिकेट भी याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सूफी कलाम में इतना ज्यादा इनकी इतनी माहिरत है। तो आज मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। मैं अब सबके सामने, क्योंकि आज हमारे हमसाए यहां आए हुए हैं, मैं आपके सामने पहले अपना क्रिकेट का तजर्बा रखता हूं। 21 साल मैंने अपनी जिंदगी क्रिकेट खेली और फिर 22 साल मैंने सियासत की। तो मैं उन दोनों का मुख्तसर आपको बताता हूं और नवजोत सिद्धू इसको समझेगा कि मैं अपने क्रिकेट के दौर में दो तरह के खिलाड़ियों को मिला। एक वो खिलाड़ी था जो कि जब मैदान में कदम रखता था तो उसके जेन पे हारने का खौफ होता था। वो सारा सोचता था कि मैं किसी तरह हारू ना, डरता था हारने से। वो ना कोई चांस लेता था, ना कोई रिस्क लेता था, सिर्फ कोशिश करता था कि मैं मैच किसी तरह मैच हो और मैं हारू ना। एक दूसरा खिलाड़ी होता था, वो जब कदम रखता था क्रिकेट की ग्राउंड पे तो वो जीतने का सोचता था, वो हारने के खौफ के ऊपर काबू कर बैठा था। वो ये सोचता था कि मैं जीतूंगा तो क्या होगा, बनिस्बत उस खिलाड़ी के जो डरता था हार गया तो क्या होगा। वो चांसेस लेता था, रिस्क लेता था, बड़े फैसले करता था और हमेशा दूसरे माइंडसेट का खिलाड़ी वो कामयाब होता था, चैंपियन वो बनता था जो हारने से डरता था। जितना भी अल्लाह उसको टैलेंट देता था कभी वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। जब मैं सियासत में आया दो तरह के सियासतदान मैं मिला। बदकिस्मती से ज्यादातर वो सियासतदान जो सियासत में सिर्फ इसलिए आते थे कि उनकी जात के लिए क्या है, लोगों को वोट लेते थे, अवाम की खिदमत करूंगा और सियासत में आके अपनी खिदमत करते थे। जो पब्लिक ओपिनियन के साथ चलते थे, नजरिए के साथ नहीं चलते थे और अपने मुफादात के लिए अवाम को कुर्बान कर देते थे। और ये मैं सारी 22 साल देखता रहा। एक दूसरा सियासतदान था, वो एक बड़ी सोच लेके आता था, वो अपने इंसानों का, माशरे का सोचता था, वो इंसानों को इकट्ठा करता था, वो नफरतें फैला के वोट नहीं लेता था, वो भी बड़ी चांस लेता था, वो भी अपने खौफ को पहले काबू करके बड़े जुरतमंदाना फैसले करता है। वो सियासतदान के ऊपर तनकीद भी होती थी और कई दफा आवाम एक तरफ खड़ी है पब्लिक ओपिनियन और वो दूसरी तरफ खड़ा होता था, लेकिन बड़े काम ये दूसरा सियासतदान करता था जो बड़ी ख्वाब देखता था, जिसकी बड़ी सोच थी। वो अपने लिए नहीं आता था, वो अपने इंसानों की बेहतरी के लिए आता था। ये दो तरह के मैंने सियासतदान देखे। ये जिधर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान खड़ा है, हमारे 70 साल से हम इसी तरह के मामला देख रहे हैं। मैं चले आज आप, क्योंकि आज भी आप भी आए हुए, तो मैं इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता हूं हमारे ताल्लुकात, बजाय मैं कहूं कि हिंदुस्तान की गलती है, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की गलती है, मैं एक मुनीर नियाजी का शेर से डिस्क्राइब कर देता हूं। सिद्धू ने यह सुना हुआ है, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक भी सी, दोनों तरफ गलतियां हुई, लेकिन जब हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जो जंजीर माजी की जंजीर ने हमें, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे, ब्लेम गेम चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। माजी सिर्फ सीखने के लिए है, माजी रहने के लिए नहीं है, माजी सिर्फ आपको सबक सिखाता है आगे बढ़ने के लिए।
हम अभी तक जब भी मैं ताल्लुकात अपने देखे हैं, हम एक कदम आगे बढ़ के दो कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे में ताकत नहीं है कि हम एक दिन ये फैसला करें कि जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमने अच्छे हमसायों की तरह रहना है। अगर फ्रांस और जर्मनी, जिन्होंने कितनी जंगें लड़ी और करोड़ लोग एक दूसरे के मारे, अगर वो आखिर में एक ऐसे हमसाये की तरह रह सकते हैं जिधर उनके पास आज ओपन बॉर्डर्स हैं, तजारत है, ट्रेड है, आज वो सोच भी नहीं सकते जंग लड़ने का, क्योंकि उनकी कनेक्शन बिजनेस का, सरमायाकारी का ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो अब सोचते भी नहीं है, कभी अब तस्वर भी नहीं करेंगे कि जर्मनी और जापान कभी लड़ेंगे। लेकिन करोड़ों लोग एक दूसरे के वो कत्ल कर चुके हैं माजी में, क्योंकि उनकी लीडरशिप ने एक दिन फैसला किया कि हम ये माजी ने जो हमें रोका हुआ है आगे बढ़ने से, हम ये जंजीर तोड़ देंगे, और तोड़ दी उन्होंने। वक्त ये है, पाकिस्तान आज उधर खड़ा है और हिंदुस्तान, कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमने तो इतने एक दूसरे की हमने भी एक दूसरे के लोग मारे हैं, लेकिन वो कत्लेआम तो हमने कभी भी नहीं की जो उधर हुई थी। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता था, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता था, मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक है, कश्मीर का। मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ दो इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ, जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं जो हल नहीं हो सकती। लेकिन एक इरादा चाहिए और एक बड़ा ख्वाब चाहिए। सोचें कि एक दफा हमारी तजारत शुरू हो जाए, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप अंदाजा लगाएं कि पोटेंशियल कितना है, क्या हो सकता है, दोनों मुल्कों को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, और जो जिस वजह से मैं दोस्ती चाहता हूं, मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से, उसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि बर्रे सगीर में दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत है। अगर हमने गुर्बत खत्म करनी है और कम करनी है, सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। चाइना की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल लें कि दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला जो चाइना ने निकाला पिछले 30 सालों में। उनकी मिसाल तो देखें, कितनी जंगें लड़ी हैं उन्होंने, उनके भी डिफरेंसेस हैं अपने हमसायों से, लेकिन उनकी लीडरशिप और बड़ी दूरंदेश, दूर सोचने वाली लीडरशिप है। उसने सोचा कि नहीं, हम पहले अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करेंगे, और उन्होंने वो काम किया जो मैं फिर से कहता हूं दुनिया की तारीफ में किसी ने नहीं किया। हमें आज बड़े शरीर में यह सोचना चाहिए कि हमारे कितने लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे, कितने हमारे लोग हैं, बच्चे पैदा होते हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है,
जिनको क्योंकि खुराक नहीं मिलती, ना उनके जेन बड़े होते हैं, ना उनके कद पे पहुंचते हैं। तो हमारी जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको तो सबसे पहले सोचना चाहिए अपने गरीब तबके का, और अगर वो ये सोचेगी वो इस नतीजे पे आ जाएगी कि बेहतरीन तरीका बड़े सगीर में गुर्बत कम करने का है कि हम अमन हो, हमारी तजारत खुले, हम एक दूसरे से सीखें। कई चीजें हिंदुस्तान आगे निकल गया है, कई चीजें पाकिस्तान अभी एक्सेल कर रहा है, हम दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। मैं आज आप सबको फिर से आपको वेलकम करता हूं, खुशामदेद कहता हूं, और मुझे सबसे ज्यादा आपकी शक्ल के ऊपर देख के खुशी हुई कि आप वही आपकी शक्लों पे खुशी है जो एक मुसलमान जब वो मदीना जाता है तो हमारी शक्लों पे खुशी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के आज, और मैं फिर से ये आपको वाज़े करता हूं कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे, ये कॉरिडोर बनेगा, और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे वो खुद यहां दरबार, इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, और इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूं और आपको फिर से वेलकम करता हूं, और खास तौर पे नवजोत सिद्धू आपको। और मैं अच्छा आखिर में एक चीज, मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। एक इंसान एक दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? और वो उन मालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो वो तो पागलपन है जंग का सोचना, वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है, वो तो सब हार जाएंगे। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहां के? और माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहां, आप बिशा किधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने दो किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है, दूसरा वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है, दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है, और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए कि पहली उनमें ये ताकत हो। देखिए लीडरशिप को ताकत चाहिए, एक इरादा चाहिए, और मैं इंसान की तारीख आप उठा के देख लें, जब इरादा कर लेती है लीडरशिप कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे, मुझे ये लगता है, और आपको भी लगता है। आप जब यहां आए हैं, जब आप निकल के जाएं, लाहौर निकलें, सियालकोट जाएं, आप देखिए पब्लिक आपसे कैसा प्यार करती है। आप अभी निकले पब्लिक के अंदर, क्यों सिद्धू जी आप गए हैं, आपको देखा किस तरह प्यार किया पब्लिक ने। ये पब्लिक हिंदुस्तान में भी, मैं जब क्रिकेट नहीं खेली थी हिंदुस्तान में, मुझे भी जब मैं वहां जाता था तो उसे जाने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले जब मैं नहीं गया था तो हमें भी बड़ा, हम पार्टीशन की पहली जनरेशन थे तो बड़ी नफरतें थी। तो जब मैं वहां हिंदुस्तान गया, जिस तरह प्यार मिला, जिस तरह इज्जत मिली, तो मैं भी हैरान हो गया, और तब से मैंने फैसला किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए हमारी। तो जो आप आएंगे, आप भी जब शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे,
آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہے وہ دوستی چاہتی ہے، صرف لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. کرتارپور سے براہ راست کرتارپور راہداری کی سنگت. بڑی بات جو پاکستان کے پردھان منتری کی طرف سے اس موقع پر کہی گئی کہ ارادہ چاہیے، ہر سمسیا کا حل ہو سکتا ہے، کشمیر سمسیا کا بھی حل کیا جا سکتا ہے. بھارت ایک قدم آگے بڑھے، ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے. میں بھارت سے دوستی چاہتا ہوں. بھارت پاکستان دونوں پرمانو شکتیاں، اسی لیے جنگ تو ہو نہیں سکتی. راستہ ایک بچتا ہے دوستی کا، اسی پر آگے بڑھنا ہوگا. بھارت ایک قدم بڑھائے، ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے. میں بھارت سے دوستی چاہتا ہوں. پاکستان میں فوج اور سرکار الگ نہیں. بھارت میں جو کہا جاتا ہے اس کے الٹ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سرکار اور فوج ایک پیج پر ہے اور ہم بھارت کے ساتھ رشتے اچھے کرنا چاہتے ہیں. تو سمویدھان کی شپت میں آئیے، تمام خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. طارق پیرزادہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکشا وشیشجے. طارق پیرزادہ صاحب، باتیں جو بہت اچھی کر رہے ہیں پاکستان کے پردھان منتری، لیکن میرا سوال یہ کہ آج وہ نیو رکھ رہے ہیں کرتارپور صاحب کوریڈور کی، اور آج ہی سر کشمیر کے اندر پاکستان کا آتنکوادی نوید جٹ مارا گیا ہے. تو ایک طرف امن کی بات، شانتی کی بات، ارادوں کی بات، ہر سمسیا کو حل کر لے جانے کی بات، وہیں دوسری طرف آتنک وہ رہے گا. دیکھیں، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، ہندوستان کے میڈیا کا، ہندوستان کی را ایجنسی کا، ہندوستان کی حکومت کا، کہ کشمیر 1947 کی قراردادوں کے مطابق ایک آزادی طلب مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے. یہی بات عمران نے بالواسطہ طور پر ابھی کہی ہے کہ آپ بات شروع، مذاکرات شروع کر لیں. کشمیر کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہ تو آزادی کی جنگ ہے، آپ اسے مذاکرات کی جنگ میں تبدیل کر دیں. یہ تو بہت آسان بات ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. فوج کو ہٹائیں، مذاکرات عمران کی حکومت سے شروع کریں، اور عمران کا جو پیغام آج کرتارپور سے نکلا ہے اس کو فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیں. لاسٹ ویسٹ فرنٹیئر آزاد کرو سر. لیکن عمران خان نے ایسا کہا نہیں میز پر بیٹھو. عمران خان نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے. عمران خان تو ارادے کی بات کر رہے تھے، اور سوال میرا یہ کہ ارادہ تو مضبوط تبھی ہوگا نا جب نیت نیک ہوگی. آپ پہلے اپنے یہاں کے پردھان منتری کی بات سنیے اور اس کو سمجھیے بھی. طارق پیرزادہ صاحب، دقت یہ ہے کہ بنا سمجھے شاید آپ بول رہے ہیں. فی الحال سنیے ذرا پریم شکلا جی کیا جواب دیں. پریم شکلا جی، آج عمران خان صاحب نے جو بات کی، شکلا جی کی آواز کو عمران نے بند کر دیا ہے. آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے، ہم دو قدم آگے بڑھیں گے. ہم تو 1999 میں بھی جب آدرنی اٹل بہاری واجپئی جی لاہور گئے تھے، ہم نے مظفرآباد بستر بھی شروع کر دی. آپ کو 20 سال لگے ایک قدم آگے بڑھانے میں، اور اس میں بھی آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے آپ سے امن چاہیے. امن چاہیے تو 26/11 کیوں کرتے ہو؟ امن چاہیے تو سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کیوں کرتے ہو؟ امن چاہیے تو کشمیر میں آتنکوادی کیوں بھیجتے ہو؟ امن چاہیے تو بارودی آپ جو ہے سرنگیں کیوں بچاتے ہو؟ امن سمجھوتا ایکسپریس تو تم نے جلائی تھی، بارودی سرنگیں بچھانے کا جو آپ دشکرم کر رہے ہو، اس دشکرم کا دنڈ آپ کو تو ملے گا. سمجھوتا ایکسپریس تم نے جلائی تھی، آپ افغانستان کے ساتھ ہی آرام سے بات کیجیے. طارق پیرزادہ صاحب، آپ کے پردھان منتری نصیحت دے رہے ہیں. ہندوؤں نے جلائی تھی، کرنل کا نام میں بھول رہا ہوں. آرام سے بات کیجیے، چلائیے مت پیرزادہ صاحب. آپ چلاتے رہیں گے، آپ کے بھیجے آتنکوادیوں کو بھارت مارتا رہے گا. جیسا ہم کر رہے ہیں اسی انداز میں ہم آپ کو جواب دیں گے سر. ہماری لائن بالکل صاف ہے، ٹیرر اور ٹاک ساتھ نہیں چل سکتا سر، بولی گولی ساتھ نہیں چلے گی. پاکستان کے منہ میں امن، بغل میں آتنک، اسی مدے پر آج ہم چرچا کر رہے ہیں. کرتارپور کوریڈور جس کی نیو آج پاکستان کے حصے میں بھی رکھ دی گئی ہے، لیکن بڑا سوال یہ کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کی جا رہی ہیں، دوستی کی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ امن کا پل ثابت ہوگا یہ کرتارپور کوریڈور. لیکن سوال بڑا یہ ہے بھارت کے سامنے کہ ہم
भारतीय भरोसा करें कैसे पाकिस्तान की बात पर। सीधे रुख कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी। आज खास मेहमान जो संविधान की शपथ में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम हमारे साथ मौजूद हैं। मोना आलम, सवाल यही है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने तो हमेशा दोस्ती निभाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पीठ पर वार किया गया है हिंदुस्तान की, इस बार भरोसा कैसे करें? देखिए रुमाना, जो आप बात कह रही हैं कि हमने हमेशा पीठ पे वार किया है और आपने दोस्ती निभाई है, मैं नहीं जानती कि अगर कुलभूषण यादव को यहाँ पर अंडर गाइस भेजना और इधर यहाँ पर फिर दहशतगर्दी करवाना, समझौता एक्सप्रेस जलाना, रॉ और एनडीएस के नेक्सस के जरिए यहाँ पर हमले करवाना, हत्ता के आर्मी पब्लिक स्कूल में 120 से भी ज्यादा बच्चों को शहीद करना मासूम, अगर ये दोस्ती निभाने में आता है तो मुझे नहीं पता ये किस किस्म की दोस्ती है। हमें आलम जी, मेरे पास जो लिस्ट है वो 1972 से शुरू होती है, आप जो तमाम बातें गिना रही हैं वो आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन 1999 में वाजपेयी जी बस से लाहौर गए, आप लोग करगिल युद्ध कर देते हैं मैडम, 2001 में मुशर्रफ साहब आगरा आते हैं, उसके बाद क्या होता है, संसद पर हमला कर दिया जाता है, और 2008 मुंबई पर जिस तरीके से हमला हुआ उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान बेनकाब हुआ उसने तो दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया ना, कसाब को कहते रहे आप नहीं हमारा नहीं, नहीं हमारा नहीं, क्या हुआ, दुनिया के सामने बेइज्जत हुए ना, दुनिया में नंगे हुए या नहीं हुए पाकिस्तानी, आप मुझे बता दीजिए। अजमल कसाब का डोमिसाइल कहां का निकला है रोमाना, आप बताइए मैडम, डोमिसाइल और कागजों में इस बात को मत समेटिए, पाकिस्तान में इस बात को मत समेटिए, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान, जी जी जी, उसके पिता पाकिस्तान में है या जिनका इंटरव्यू आप ही क्या न्यूज चैनल करते हैं वो भी हिंदुस्तान में आए थे उसका इंटरव्यू करने के लिए ना, सही कह रहे हो आप। मोना आलम, अगर इसी तरीके से बहसें होंगी तो भरोसा कैसे किया जाएगा? अफजल गुरु के साथ लादेन को, लादेन को छुपाने वाले, लादेन को छुपाने वाले जब इस तरीके की बातें करेंगे तभी तो सवाल उठता है कि इस बार क्या बदला, भरोसा कैसे कर ले आप लोगों पर, लादेन पर आकर कहां बम बरसाए गए थे, लादेन पर कहां बम बरसाए गए थे, लादेन कौन से देश में था, आप मुझे बता दीजिए लादेन कहां था, बड़े दो टोक अल्फाज में बताया था कि पाकिस्तान की नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पर है। अब आप इतने अनजान बन जाइए, अब आप अनजान बन जाइए, आपकी सहूलियत के हिसाब से अनजान बन जाइए, आप लोगों ने तो ऑपरेशन दिया किसका, आपके अपने पुलिस चीफ ने लिखा है इस बारे में, माफिया बनने का नुकसान कौन, क्या बातें करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के सामने यहाँ कटोरा लेकर आप लोग जाते थे, आप उसमें भीख डालना भी अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी कटोरा आपका खाली हाथ आपके हाथ में है, अमेरिका ने भीख डालना भी उसमें बंद कर दिया मोना आलम। देखे मेरा सवाल ये आप पर भरोसा आपको तो किया जाए? पक्की मिल रही है ना अमेरिका से, आपको तो मिल रही है ना, आप खुश रहे, आपको किस बात की तकलीफ है, आपको अमेरिका से भीख मिल रही है कि आप मैडम आप हथियार बनाए, आपका प्राइम मिनिस्टर रुमाना जी नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर रफेल डील में आपके आपके बढ़ाने के लिए ख्याल नहीं कर रहे, उनको भारतीयों को कपड़े पहनाने की चिंता नहीं है, उनको भारतीयों को खाना खिलाने की परवाह नहीं है, वो अपनी जेबें भर रहे, वो रफेल डील में करप्शन करके आप का हाल देखें, अरे सड़क पे अभी कटोरे पर सड़क पे अभी लोग कटोरे पर मुझे पानी पर आना पड़ रहा है मुझे पानी पर आना पड़ रहा है, पानी की किल्लत पता है ना आपको, आपकी अपनी कौम प्यासी मरने वाली है मैडम, चंदे जुटाए जा रहे हैं आपके बांध बनाने के लिए, पानी तक तो पीने के लिए पानी बंद कर दो तो कल प्यास से मर जाएंगे पानी पाने लायक खून बहाने के लिए यूज होता है, बहाने वाले डैम पानी नहीं पीने के लिए इस्तेमाल होता है, डैम के पानी घरों की टैंकियों में नहीं जाते हैं, यजीदियत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान, हम पानी जरा सा जी 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 जरा सा रक्षा विशेषज्ञ काजू साहब का रुख करना चाहूंगी, काजू साहब अच्छी अच्छी बातें अभी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी, पारा गांधी रवैया तो कुछ नहीं बदल रहा, कुछ करते भाई हमारे जो और साथी उनसे कहें जरा एक मिनट शांत हो जाए तो मैं जरा कुछ कह लूं। देखिए आज बड़ा मुबारक दिन, आज के दिन ये कॉरिडोर शुक्रिया हो सकता है कॉरिडोर के आगाज मुबारक दिन है, हमें मुबारक दे, हमसे मुबारक ले,
चुप होने की गुजारिश की थी या किस तरह अगर आप तो मैडम मैडम मैं अगर मैडम मैंने आपने शुरू मुबारक वाले नोट पे मैडम मैं आपकी इज्जत करता हूँ मैं आपको मुबारक मैडम हाँ मैं आपकी इज्जत करता हूँ मुझे एक मिनट बोलने का मौका दे दें तो बेहतर होगा जी जी आप एक घंटा बोलते रहे हमारे तो वैसे भी वॉल्यूम का फेडर डाउन ही होता है नहीं जी नहीं हमें तो वैसे ही म्यूट कर देते हैं हमारे वहाँ मत रहिए आपकी आवाज हम सुनाते हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों की सोच है क्या हिंदुस्तान को लेकर सोच दिखानी होती है ना मेरे मेरा कोई 2000 आज के दिन अब चलिए और मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोग वॉल्यूम बंद कर देते हैं क्योंकि आपका जो साहब की हिम्मत नहीं है आप तो दूसरे को बोलने ही नहीं दे रही हैं अरे जी वॉल्यूम कंपनी की फिक्र इतनी आ रही है अब मैं हां देखिए मुझे बस एक ही है ठीक से करवाएं बारी बारी बोल रहे थे सब हाँ मुझे आज बस एक ही चीज खटकी थोड़ी कि आज के दिन क्या विवाद उठाने की जरूरत थी इमरान खान साहब को दरबार साहब से करतारपुर साहब के दरबार से उस मुकद्दस जगह से उन्होंने अमन की बात करी अच्छा है अमन की बात करें बहुत अच्छा है हम भी चाहते हैं अमन कौन नहीं चाहता है कि हमारे दोनों देशों के बीच अमन हो लेकिन जो असल मुद्दा है उस पर वो नहीं आए शायद वो डरते थे क्योंकि उनके आर्मी चीफ वहां मौजूद थे बाजवा साहब थे वहां और क्या उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब और सब पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो एक पेज पर हैं वो भी अच्छा है लेकिन दरअसल बात जो है वो है आतंकवाद की दहशतगर्दी सी हम ये देखते हैं कि लश्कर ए तोयबा के लोग हाफिज मैं बोल लूं हाफिज सईद जो हैं वो लाहौरी में रहते हैं ज्यादा दूर नहीं जानते हैं लेकिन थोड़ी हिम्मत रखिए सच सुनने की बलूचिस्तान में करा रहे हैं दादा साहब आप मुझे बोलने दें आपको बहुत मौका मिला बोलने का मैं बिल्कुल शांत था एक लफ्ज नहीं बोला झूठ क्यों बोल रहे हैं लेकिन अरे इनकी आवाज जरा सी जी 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 आप हाँ, तो उन्होंने ये नहीं देखा उन्होंने ये नहीं देखा कि हाफिज सईद साहब कहां पर हैं और हाफिज सईद साहब तो दहशतगर्द हैं जिनको दुनिया मानती है कि दहशतगर्द हैं हाथ उठा के टर्न मांग रही हूं यूनाइटेड नेशंस कहता है वो दहशतगर्द हैं उस सब पे वो शांत रहे फिर उन्होंने तिजारे की बात करी इमरान खान साहब ने किसने रोका है आप तिजारा करना चाहते हैं भारत से करिए शौक से करिए इससे आपका फायदा होगा तिजारा अगर खुला तो हमें कम फायदा होगा पाकिस्तान को ज्यादा होगा हम उसको कबूल करेंगे लेकिन ये बातचीत करनी देखिए अच्छा है अच्छे अल्फाज बोलने मुबारक दिन पे अच्छा लगता है लेकिन जरा संजीदगी से आप सोचें मोना आलम आप सोचें तारिक भाई को तो मैं आई हैव गिवन अप ऑन तारिक भाई लेकिन आप जो हैं संजीदगी से नहीं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं काजू साहब आप जो बात कह रहे हैं मैं मोना आलम का ही रुख कर लेती हूँ मोना आलम देखिए आपके बराबर में ही बैठे हुए हैं तारिक पीरजादा साहब आज जो शुरुआत हुई है आपसे कम से कम समझदारी की उम्मीद करते हैं अब यहाँ पर तारिक पीरजादा साहब बैठकर कह रहे हैं कि जी देखिए सिखों की जो मांग है अलहदगी ये कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं मोना आलम इस तरीके की बातों पर भरोसा किया जाएगा आपके बराबर में बैठे हुए तारिक पीरजादा साहब जरा पहले उनके लिए कुछ कहिए उसके बाद आप हमें बताइए मेरे पास बड़ा लॉजिकल सा जवाब है मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती सिखों की अगर अलहदगी की तहरीक है खालिस्तान वो लोग मांगते हैं बात सुने मैंने जुमला ही कहा आप लोग मैंने एक जुमला बोला आपने मुझे काटना शुरू कर दिया नापाक इरादा है जिस नापाक इरादे को कुचला जा चुका है पाकिस्तान जो है इस तरह के नापाक इरादे पालता रहेगा और पाकिस्तान भी देखे हमारा कोई इरादा नहीं है पूरी दुनिया भर में 12 करोड़ तैयार नहीं है पूरी दुनिया में 12 करोड़ सिख हैं सारे सिख जितने हैं सब खालिस्तान मानते हैं और अब दूसरों मुझे नहीं पता उनका आपसे क्या बैर है आपका उनसे क्या बैर है अपनी चिंता करो ऑपरेशन ब्लू स्टार वो आपने लॉन्च किया था अपने मुल्क के सिख के खिलाफ सिखों के खिलाफ आप दुनिया जो है देख रही और आखिरी समय है आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड खड़ा करता नहीं वर्ल्ड बैंक आपको खड़ा करता नहीं यूरोप आपको खड़ा करता नहीं जिनको अमेरिका आपको खड़ा करता नहीं चीन के आप जो है गिर भी है पहले मोना जी बलूचिस्तान का ख्याल कर रहे हैं क्या बात करती जा रही है बोलती जा रही है जो मन में आए बोल रही है कश्मीरी आपसे तंग है
पहले बलूचिस्तान का को बचा लें आप लगा के, क्या बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? दादागिरी चलाई हुई है, सिख जो है वो बड़े पेट्रियोटिक है, वो भारत की सेना की हरकतों से पेट्रियोटिक फॉर्म है। क्या बात करते हैं, वो हम सपोर्ट करते हैं, आप बताएं। कोई भी सियासी पहले बलूचिस्तान का को खैर मनाए, तारिक पीरजादा साहब के पास चलती हूँ। तारिक पीरजादा साहब तो क्या मतलब निकाला जाए, मतलब हम यहाँ हिंदुस्तान में कह रहे हैं ये सब अमन का पुल है, ये शांति सेतु है, मतलब आप लोग अब आतंक का कॉरिडोर बनाने की मंशा के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही मंशा आप लोगों की तो उजागर हो रही है सर, जिस तरीके की बातें कर रहे हो आप लोग यहाँ बैठ। अब मैं काजू साहब मेरे भाई है, मैं उनको भी जवाब देता हूँ और आपको भी। देखिए बात सारा समझने की है, मैंने शुरू में बड़े ही मंतकी और लॉजिकल अंदाज में कहा था कि इमरान ने आपको मुजाकरात की दावत दी है, अगर आप उसकी मुजाकरात की दावत को कबूल नहीं करेंगे, आपका लॉजिक से क्या लेन देन? मेरी बात सुनो ना शुक्ला, दो मिनट चुप रहो, लॉजिक से क्या लेन देन? आराम नहीं है तुम्हें शुक्ला, आप तो जो है जाओ यार किसी चौक पर बैठो जाकर, आतंकवादियों के समर्थक है। देखो शुक्ला, तुम लोगों की जुबान जो है काबू में नहीं है, आप तो मुल्ला उमर अगर आपकी तरफ देख ले तो लॉजिक क्या हमारा, इनको चुप कराओ ना शुक्ला को, एक मिनट के लिए इन्हें गाली देने के लिए बुलाया है तुमने, अच्छी बात करना चाह रहे हैं। देखिए इतिहास बन रहा है आज, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, दोनों देशों के बीच ये इतिहास जो रचा जा रहा है इस बात को नहीं भूलना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए गाली जो है वो दोनों हाथों से बचती है, दोनों देशों के लिए ये बड़ा दिन है, कम से कम इस गरिमा का ख्याल रखकर आप लोग अपनी बात रखिए, और इसी वजह से सवाल आपसे बड़ा दिन कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं मुबारक मुबारक दिन है, अमन का पुल तरफ आप हमें यहां पर फाइटिंग मैच के लिए कॉरिडोर अभी से बनाने पर तुल गए, अभी तो पुल बना भी नहीं है, साइड कर लें कि आपके ये जो प्रोग्राम है इसका क्या लाइन है, क्या लाइन टो करनी है आपने? अच्छा ऐसा करते हैं काजू जी, थोड़ी सी सिफारतकारी की बात कर लेते हैं, ऐसा करें आप लोग जरूरत करें और जो शिमला मुहैदा है उसको खत्म करने का ऐलान कर दें, ताकि आपकी जो बहादुरी है उसको आजमाने का वक्त आ जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर, शिमला तो जरा वो कर दें, फिर अगर मुजाकरात नहीं करते हैं तो फिर झगड़ा करके देख लें, हम आपको खत्म करके रख देंगे, पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो जो गर्जना करते थे तारिक पीरजादा रख दिया था भीगी बिल्ली की तरह सोच के साथ आए और उसमें सुपारी लेकर आएंगे, भारतकारी की बात कर लेते हैं ना, नहीं 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 बड़ा सवाल, क्या तारिक पीरजादा अपने प्रधानमंत्री इमरान खान की सुपारी लेकर आए हैं? इमरान खान ने तो एक बार भी किसी तरीके से जंग की बात की नहीं, इमरान खान तो दोस्ती की बात करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, एक तरफ के पति दो वजीर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पाकिस्तान से आए दोनों मेहमान जो हैं वो आतंक की जबान बोले चले जा रहे हैं, आप लोगों की मंशा है क्या सर? आप जी जी आइए काजू सर, देखिए असल मुश्किल यह है कि आप लोगों ने चीन की गुलामी इतनी करनी शुरू कर दी है कि अपनी इंडिपेंडेंट सोच ही छोड़ दी है आपने, आपको चीन की गुलामी मुबारक हो, और मैं क्या कहूं, आप कहते हैं कि आतंकवाद की कि उन्होंने हमें दावत की बातचीत की दावत को हम स्वीकार करें, आप आतंक तो बंद करिए, आपको याद है मोदी जी उसको चाय बनाकर पिला रहे थे ओबामा को, चाय बनाकर पिला रहे थे, मेहमान नवाजी होती है, आपको नहीं मालूम मेहमान नवाजी कैसे होती है, आपको मालूम है कैसे होती है, वो तारिक साहब है चाय वाले ना, तो इसलिए वो चाय बना रहे हैं, मेहमान नवाजी सीखिए, हम सिखा देंगे आपको मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी चाय बनाने वाला और फेंके हुए भीख के टुकड़ों पर आपका, जरा अगली बात करते हैं, एक सेकंड मोना आलम के पास चलते हैं, ठीक है तारिक पीरजादा साहब, ठीक है मोना आलम आपके साथ बैठे हुए हैं, मोना आलम को क्या माना जाए, ये ऐसे ही रूटीन में चलता रहेगा, मतलब पाकिस्तान एक तरफ मुंह से अमन 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 की बात करेगा और बाकी बगल में उसके आतंकवाद आतंकवाद रहेगा, यही होगा ना? वैसे मैं आपको बता दूं आप जितने आतंकवादी भेजे खात्मा हम करेंगे सबका, आइए मोना आलम, तुम एंकर हो के पैनलिस्ट हो, देखिए रुमाना सही बात है, वो सही कह रहे हैं, देखिए रुमाना आप इसको मॉडरेट उस तरह से कराएं कि आप अपने दिमाग को इसके अंदर ना करें, आप सिर्फ मॉडरेट करवाएं जो लोगों हैं, लोग हैं उनके व्यूज आप शामिल करें, अपने व्यूज आप क्यों मुसल्लत कर रहे हैं हम पे, हम नहीं चाहते हैं, हम अमन ही चाहते हैं, लाख दफा ये मैंने बात टॉक शोज में आके की है, जो आदमी से होता नहीं है ना, दोनों साइडों के एक्शंस में दोनों साइड की पब्लिक अमन चाहती है, आप लोगों को अमन हजम नहीं होता, वो बात नजर नहीं आती ना, आपका रॉ फंडेड मीडिया
जो आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपको पैसे देता है हर रोज और हर महीने और आपको वहां से डिक्टेशन आती है कि आज ये करो आज वो करो। मोना आलम थोड़ा होमवर्क करके आएगी जे मैडम, थोड़ा होमवर्क करके आएगी जे मोना आलम। ये पाकिस्तान नहीं है जहां सब कुछ आईएसआई के इशारे पर होता है, नहीं पाकिस्तान नहीं है जहां का प्रधानमंत्री जो है वो सेना की बात कहने बंद कर बारह करता है। ये पाकिस्तान नहीं है जहां कुछ करने से पहले सेना की जी हजूरी कर सेना से इजाजत लेनी पड़ती है। ये हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो हर बार बड़े भाई के तौर पर आपको सबक सिखाता आया है और आगे भी आपको ऐसे ही सबक सिखाता रहेगा। हम साफ कर दें, हमारी लाइन बिल्कुल साफ है, टेरर टॉक साथ साथ नहीं चलेगा, गोली बोली साथ नहीं चल सकती। आप लोग कितना भी चाहें कि इस कॉरिडोर के बहाने आप प्रधानमंत्री को बुला लेंगे सार्क सम्मेलन में, साफ भारत की तरफ से कर दिया गया ना, करारा जवाब दे दिया गया ना आप लोगों को कि नहीं आएंगे प्रधानमंत्री आपके यहां बात करने के लिए जब तक आप अपने नापाक मंसूबों पर रोक नहीं लगाते। भेजिए आतंकवादियों को, हर आतंकवादी का खात्मा करेगा हिंदुस्तान जैसे कर रहा है लगातार। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान भरोसे के लायक है नहीं। भरोसा पैदा हो इसलिए पाकिस्तान को आतंक छोड़ना होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।